वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज 14 अप्रैल 2018 है और हम द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज इम्पॉर्टेंट हैं। ये आर्टिकल फाइनेंस कमीशन से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है, इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये आर्टिकल रोड एक्सीडेंट से संबंधित है। अभी एक हफ्ते में 3-4 महत्वपूर्ण और दुखद रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें कई सारे बच्चों और कुछ अन्य लोगों की भी मौत हुई है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे क्या कारण होते हैं और क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 127वीं जयंती है, तो सबसे पहले हम सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ पर ये दो के दोनों आर्टिकल बीआर अम्बेडकर जी पर ही पब्लिश किए गए हैं, लेकिन ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स दी गई हैं अम्बेडकर जी के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, और ये आर्टिकल भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक अच्छा आर्टिकल हमें मिलेगा अम्बेडकर जी के विचारों के बारे में, जो कि एक्चुअली में हमें नहीं मिला है, बट फिर भी हम अम्बेडकर जी के विचारों को और उनकी आज की क्या रिलेवेंस है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आज सैटरडे है तो ग्राउंड जीरो है, नॉट इम्पॉर्टेंट, एलिमिनेट कर दीजिए। हमारा जो पीटी फैक्ट का सेक्शन है वो आगे बढ़ेगा और हम अपने इंटरव्यू के सेक्शन पे भी बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हैं बातें ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस के बारे में। आप हमें इस प्रोग्राम के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर आप एक एक्सपीरियंस कोच के सुपरविजन में अपनी तैयारी करते हैं, इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, जिसके लिए टाइम मैनेजमेंट डायरी का भी सहारा लिया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी इस प्रोग्राम का हिस्सा होती है। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं, लाइक ओरल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और इंस्टेंट टेस्ट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यह है कोर्स डायरी और यह है टाइम मैनेजमेंट डायरी, जिस पर आपको पर डे काम करना होता है। जब भी आप कोर्स से मिलते हैं तो डायरी के साथ मिलते हैं। ये प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है। बाकी 15 जून के लिए जो फ्रेश बैचेस हैं उनके लिए इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर कोई इनरोल होना चाहता है या फिर आपके आसपास कोई है जो इनरोल होना चाहता है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्लाइड में नीचे की ओर दिख रहे हैं। अब आइए बात करते हैं पीटी फैक्ट के बारे में। जो पहला फैक्ट है वो बिरसा मुंडा जी से संबंधित है। बिरसा मुंडा जयंती अभी हाल ही में पूरे देश में मनाई गई। बिरसा मुंडा एक ट्राइबल लीडर थे छोटा नागपुर रीजन में। उन्होंने जो अंग्रेजों के द्वारा लैंड एक्विजिशन किया जा रहा था उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लोकेशंस में, उसका विरोध किया। उन्होंने कॉलोनियल ऑफिशियल्स को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो लैंड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून का निर्माण करें। उन्होंने एक फेथ बैरसाइट को भी आगे बढ़ाया, जिसने चैलेंज किया, जो बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आकर ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का कन्वर्जन कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में। बैरसाइट फेथ ने उस चीज़ को चैलेंज किया। उसमें उन्होंने बताया कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें सुपरस्टिशंस को फॉलो नहीं करना चाहिए, एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, लिकर का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए और एक अच्छा जीवन यापन करना चाहिए। इस तरीके से जो फेथ था, इसने मुंडा और उरान दोनों ही कम्युनिटी के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्हें पॉपुलरली धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता था, इसका मतलब होता है अर्थ फादर, मतलब पृथ्वी के पिता। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, दैट वाज उलगुलान, या आप इसे ग्रेट तुमलुत भी कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने सभी आदिवासीज को ऑर्गेनाइज किया ताकि जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम इम्पोज किया गया था ब्रिटिश के द्वारा उनके ऊपर, उसका विरोध किया जा सके। और उन्हीं के प्रयासों के चलते छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट 1908 में पास किया गया, जिसमें जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों की जमीन है उसे नॉन ट्राइबल लोगों को ट्रांसफर करने पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए गए। तो ये बातें हमने बिरसा मुंडा जी के बारे में जानी। अगर कोई क्वेश्चन हिस्ट्री में आता है तो आप डील कर लेंगे। तो आइए अगला फैक्ट देखते हैं। ये फैक्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से संबंधित है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक ऐसा साइन होता है जो कि किसी भी प्रोडक्ट पर इस आधार पर दिया जाता है, क्योंकि वो किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन का है या फिर उस ओरिजिन से संबंधित उसके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं या रिप्यूटेशन है, और अपनी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन की वजह से वो एक तरीके से एक ब्रांड बन जाता है। देखिए, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने का मैकेनिज्म है उसे मैनेज किया जाता है सेल्फ और IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट CIPAM के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत जो काम करती है उसके द्वारा किया जाता है। वेस्ट बंगाल स्टेट को हाल ही में वेस्ट बंगाल में बनने वाले रसगुल्ला के लिए GI टैग मिला है। यूं तो आप सभी ने सुना होगा कि वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इस बीच को लेकर काफ़ी लंबे समय से, इनफैक्ट जून 2015 से ही लीगल बैटल चल रही थी कि आखिर ये जो रसगुल्ला है इसका ओरिजिन कहाँ से है, वेस्ट बंगाल से या फिर उड़ीसा से। बट अल्टीमेटली ये जो बैटल है ये वेस्ट बंगाल जीत गया है और उसे GI टैग दे दिया गया है। सेल्फ और IPR प्रमोशन मैनेजमेंट कह लीजिए या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन कह लीजिए, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलाया है #letstalkIP, ताकि जो इंडियन GIs है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, उसे और प्रमोट किया जा सके। तो ये बातें हमने यहाँ पर देखी। अब आइए
बी आर अम्बेडकर जी के आइडियाज के बारे में चर्चा करते हैं। आप इसे पेपर वन से जोड़ सकते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जो पर्सनैलिटीज का सेक्शन है वहां से इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, अम्बेडकर जी बहुत ही लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ जो समाज में भेदभाव चल रहा था उसके लिए भी उन्होंने अभियान चलाया। उन्होंने श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार भी माने जाते हैं, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा असिस्टेंस दिया गया है अम्बेडकर जी के द्वारा हमारे संविधान के निर्माण में। 1956 में अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और 1990 में उन्हें भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। तो बी आर अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। तो अब आइए अम्बेडकर जी के विचारों पर एक निगाह डालते हैं। आरंभ से ही अम्बेडकर जी इस बात का विरोध करते रहे थे कि फ्रीडम मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट दोनों को एक साथ चलाया जाना चाहिए, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर दोनों मूवमेंट को एक साथ अलाइन किया गया तो जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें दरार पड़ने की संभावना है। अम्बेडकर जी स्टॉन्च कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने गांधी जी के सर्वोदय के विचारों का विरोध भी किया था, जिसके जरिए गांधी जी सोसाइटी और इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। वो गांधी जी का जो नोशन था विलेज रिपब्लिक का, उसका भी समर्थन नहीं करते थे और वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का भी विरोध करते थे। लेकिन देखिए, उनके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के विरोध के आधार को आप जान लें यह बहुत ज़रूरी है। उनका ऐसा मानना था कि जो गांव होते हैं वो सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस और कास्टिज्म का हब होते हैं, और जब तक वहां से इन समस्याओं को दूर नहीं कर लिया जाता तब तक उन्हें ऑटोनॉमी देना उचित नहीं होगा। ये समस्याएं आज भी उन गांवों में व्याप्त हैं। देखिए, वैसे तो हमने गांधी जी के जो विचार हैं पंचायती राज के, उसे एमिकेबली आज स्वीकार कर लिया है और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, लेकिन अम्बेडकर जी के जो फियर्स थे, जो कंसर्न थे, वो आज भी व्याप्त हैं और उन्हें दूर करने के लिए हमें अपने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को और ज़्यादा रोबस्ट और इंक्लूसिव करना होगा। देखिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर अम्बेडकर जी को काफ़ी चिंता थी। हालांकि आज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी नीचे आ चुका है, काफ़ी उसमें कमी देखने को मिलती है। अम्बेडकर जी ने इस संबंध में जो सोल्यूशन दिया था वो आप जानिए। अम्बेडकर जी का ऐसा मानना था कि अगर दलित अपने कास्ट ऑक्यूपेशन के सेकल्स को छोड़कर, उसे तोड़कर इंडस्ट्रियल अर्बन सोसाइटी के साथ मर्ज हो जाएंगे तो कास्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा, और आज उनकी बातें सच साबित हुई हैं। आज हमें और आवश्यकता है कि हम दलित और लोअर कास्ट कम्युनिटी को टेक्निकल स्किल्स दें ताकि हम उन्हें अर्बन सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट कर सकें, अर्बन इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर सकें, और उन्हीं के विचारों का प्रभाव है कि आज हमें दलित कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। अम्बेडकर जी ऐसा चाहते थे कि दलितों को फॉर्मल एजुकेशन दी जानी चाहिए और ये एजुकेशन इंटेलेक्चुअल और टेक्निकल दोनों होनी चाहिए। स्टेट को आज ऐसी आवश्यकता महसूस होती है और ऐसा आज होना भी चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर को हम इस हिसाब से ढाल दें कि जो पुअर दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो इसमें अलाइन हो सकें, उनकी जो स्टडी की क्वालिटी है, एनरोलमेंट रेशियो है, हम उसे भी बढ़ा सकें। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, या आप यूं कह लीजिए इकोनॉमी के संबंध में, अम्बेडकर जी का जो एक विचार था, जो सपना था, वो स्टेट सोशलिज्म का था। वो चाहते थे कि स्टेट सोशलिज्म के जरिए जो उनके लक्ष्य हैं उसे पूरा किया जाए। वो ऐसा चाहते थे कि स्टेट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर भी स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। उनके विचारों का ही प्रभाव था कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपनाया और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को एक साथ लेकर हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बढ़े। देखिए, इसके अलावा उनका ऐसा मानना था कि जो समानता है वो एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु होनी चाहिए हमारे समाज की, और ग्रैनविले ऑस्टिन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो भारतीय संविधान है वो एक तरीके का सोशल डॉक्यूमेंट है और इसमें अम्बेडकर जी का जो योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने फंडामेंटल राइट में इक्वलिटी को काफ़ी तवज्जो दी। उनके विचारों का ही प्रभाव था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को आज रिजर्वेशन प्राप्त है ताकि वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकें और अपने स्तर को ऊपर कर सकें। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का गठन किया गया है ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का निर्माण किया गया ताकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बन सके। अम्बेडकर जी कभी भी भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे,
इसीलिए जब जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा था तो अंबेडकर जी ने उसका विरोध किया था। आरबीआई का जो कॉन्सेप्ट था उसे भी अंबेडकर जी ने ही फॉर्मुलेट किया था, क्योंकि वो एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट थे और आरबीआई आज हमारे देश की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। जो आज वाटरवेज को डेवलप किया जा रहा है ये अंबेडकर जी का भी सपना था, जिसे आज साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ की आइडियाज ऑफ अंबेडकर इन इंडिया, इलुसिडेट करिए आप 200 शब्दों में। अगला आर्टिकल देखते हैं, डिवाइड वी फॉल ऑन 15 फाइनेंस कमीशन। देखिए अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ बेसिक बातों को जानते हैं। फाइनेंस कमीशन का निर्माण आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है हर 5 साल पर, या जब भी उन्हें लगता है कि सही है बनाना। ये भारत का ओरिजिनल आइडिया है, हमने इसे कहीं से बोरो नहीं किया है। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। पहला तो किस आधार पर फंड्स को डिवोल्यूज किया जाना चाहिए, डिविजन होना चाहिए फंड का सेंट्रल स्टेट के बीच में, और क्या प्रिंसिपल होने चाहिए ग्रांट इन एड देने के, तो इतना आप जानते रहिए। देखिए आर्टिकल की बात करते हैं, अभी जो मैंडेट दिया गया है फाइनेंस कमीशन को, 15 फाइनेंस कमीशन को, इसको लेकर कुछ सदर्न इंडियन स्टेट्स अपने कंसर्न रेज कर रहे हैं। उनका कंसर्न का आधार है कि जो फंड के डिवोल्यूशन के लिए 1971 के सेंसस का प्रयोग किया जाता था, अब ऐसा मैंडेट दिया गया है कि 2011 के सेंसस का प्रयोग किया जाएगा। अब इससे तो जिन स्टेट्स ने काफ़ी लंबे समय से अपने स्टेट्स की पॉपुलेशन को कम करने का प्रयास किया है वो डिसएडवांटेज में चले जाएंगे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में अपनी स्पीच में ये क्लैरिफाई किया कि उन्होंने ऐसा भी मैंडेट दिया है फाइनेंस कमीशन को, ऐसा मैंडेट दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा कि जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रयास किए हैं उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए, तो तमिलनाडु जैसे राज्यों को इससे फायदा ही होगा। देखिए फाइनेंस कमीशन क्या रिकमेंडेशन देगा, उसके लिए हमें अक्टूबर 2019 तक रुकना होगा, लेकिन इन बिटवीन ये जो सदन और नदन स्टेट्स के बीच में डिबेट चल रही है ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है। यूं तो 14 फाइनेंस कमीशन ने भी 2011 के सेंसस को 10% वेटेज दिया था, जो आप यहाँ चार्ट में देख भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है उत्तर प्रदेश या फिर बिहार जैसे पॉपुलर स्टेट पर, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात है नहीं, फिर भी उनके कंसर्न को एड्रेस किया जाना चाहिए। देखिए जो और स्टेट्स हैं उन्होंने भी जो साउथ इंडिया के नहीं हैं पॉपुलेशन को कम करने का काफ़ी प्रयास किया है 1971 के बाद, जैसे कि वेस्ट बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसके साथ ये कहना भी मिसलीडिंग होगा कि केवल स्टेट के प्रयासों से ही जो पॉपुलेशन है वो किसी राज्य की कम होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस बात को डिटरमाइन करते हैं। कमीशन इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है कि उन राज्यों की आवश्यकता को ज़रूर पूरा किया जाए जो वास्तव में नीडी हैं। स्टेट्स को पॉजिटिव फैक्टर्स पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ऐसा भी मैंडेट दिया गया है कि मिड डे मील और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स पर ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएं, ज़्यादा डिवोल्यूशन किया जाए। तो पॉजिटिव जो बातें हैं उन पर भी स्टेट्स को ध्यान देना चाहिए, ना केवल निगेटिव बातों पर फोकस किया जाए। अगला आर्टिकल देखते हैं, प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स, पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्शन से। बहुत बड़ा डाटा हमें देखने को मिल रहा है जो इंडिया में रोड एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं उस संबंध में। अगर आप उस डेटा को खंगालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं या फिर अर्बन और रूरल रोड्स हैं उनके द्वारा भारत में नरसंहार किया जा रहा है। इस सप्ताह में कुछ घटनाएं घटित हुई, जैसे कि 23 बच्चों की मौत हो गई एक स्कूल बस क्रैश में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, 18 लेबरर्स की मौत हुई एक लॉरी एक्सीडेंट में महाराष्ट्र में, और 9 लोगों की मौत एक ट्रक मिशैप में हुई उत्तर प्रदेश में। ये तो वो घटनाएं हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की निगाह में आ गई, ऐसी कई और घटनाएं घटित होती हैं जो हमारी निगाह में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस बारे में चेताया भी है कि वो अपनी अपैथी ना दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में 2014 में रोड सेफ्टी कमेटी का निर्माण भी किया था रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में काफ़ी कुछ बातें बताई थी, लेकिन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस संबंध में काफ़ी इरिस्पॉन्सिबल रहे हैं। क्या चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं? देखिए जो भारत की एट प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन मशीनरी है जो फॉल्ट्स को डिटरमाइन करती है कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है इन रोड एक्सीडेंट्स के संबंध में, वो बहुत रोबस्ट नहीं है। ये हमारा पहला चैलेंज है। दूसरा कि जो इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म है वो साइंटिफिक अप्रोच के आधार पर नहीं अपनाया जाता। तीसरा सुंदर कमेटी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने 2007 में जिसका निर्माण किया था
उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड बनाने की बात कही थी, लेकिन ये बातें अभी भी ग्राउंड पर नहीं आ सकी हैं। देखिए, पेनल्टी भी हमें मीडियम रखनी होती है। हम जब बहुत ज़्यादा पेनल्टी रख देते हैं तो लोग उसे पे करने से कतराते हैं, और जब हम कम पेनल्टी रखते हैं तो वो डिटरेंस क्रिएट नहीं करता। तो हमें बहुत ही सस्टेनेबल पेनल्टी भी रखनी होती है। इसके अलावा जो रोड की कंडीशंस हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा हैजार्डस बनी हुई हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चैलेंजेस हमारे सामने हैं। क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? हमें जो लैप्सेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए, और इसके लिए हमें आवश्यकता होगी क्वालिफाइड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एक्सपर्ट्स की। दूसरी बात कि डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटीज़ के परफॉर्मेंस को हमें लगातार रिव्यू करते रहना चाहिए, जिसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत बनाया गया है। नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, और जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसके लिए भी हमें प्रावधान करना चाहिए। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट अभी भी पास नहीं हो सका है, जिस वजह से इस संबंध में प्रावधान करने में दिक्कत है। तो हमें जल्दी से जल्दी मोटर व्हीकल एक्ट को भी पास कर देना चाहिए। आर्टिकल अंत में कहता है कि रोड एक्सीडेंट के संबंध में हमें जीरो टॉलरेंस का अप्रोच अपनाना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इंडिया हैज सेमफुल नेशनल रिकॉर्ड ऑफ अबाउट 150,000 डेड एंड सेवल 100,000 इंजर्ड एनुअली। व्हाट डू दीज एक्सीडेंट एक्चुअली इंडिकेट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड सेफ्टी एंड गवर्नेंस? हाउ कैन इंडिया प्रिवेंट दीज एक्सीडेंट्स? क्या पता चलता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इस संबंध में, और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, व्हाट डज अकाउंटेबिलिटी मीन इन कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज? व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू इंश्योर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स? 200 शब्दों में बताइए। तो आइए एक इंटरव्यू का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज क्या है। क्वेश्चन है, विच इंडियन हेरिटेज साइट यू लाइक्ड द मोस्ट एंड व्हाई? भारत की कौन सी ऐसी हेरिटेज साइट है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों आई, आपको ये भी बताना है। यहाँ पर हमारा डिस्कशन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट।